जागरण जोश आप सभी प्रतियोगी परीक्षार्थियों के लिए 17 सितंबर से 20 सितंबर 2016 के मध्य घटित विभिन्न परीक्षोपयोगी घटनाओं में से 8 महत्वपूर्ण घटनाओं को प्रस्तुत कर रहा है। ये घटनाएं परीक्षा में पूछे जाने वाले करंट अफेयर्स के प्रश्नों की तैयारी के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण हैं। करंट अफेयर्स हेडलाइंस। विराट कोहली पंजाब नेशनल बैंक के ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त। अलका सिरोही यूपीएससी की अध्यक्ष नियुक्त। 68वें प्राइम टाइम एमी अवार्ड्स की घोषणा। आईआईटी गुवाहाटी में सुपर कंप्यूटर परम ईशान का उद्घाटन। रवि रेड्डी रक्तदान हेतु इंटरनेशनल सोसाइटी के प्रमुख नियुक्त। पुलित्जर पुरस्कार विजेता एडवर्ड एल्बी का निधन। भारतीय बधिर निशानेबाज प्रियेशा देशमुख ने विश्व चैंपियनशिप में कांस्य पदक जीता। वरिष्ठ पत्रकार देवकृष्ण व्यास का निधन। भारत ने बराक 8 मिसाइल का सफल परीक्षण किया। महेंद्र सिंह धोनी विजडन की भारतीय ऑल टाइम टेस्ट टीम के कप्तान नियुक्त। पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय ने हरियाणा में आर्थिक आधार पर मिलने वाले आरक्षण पर रोक लगाई। भारत की पूर्व महिला हॉकी कप्तान ऋतु ने हॉकी से संन्यास लिया। मुकेश अंबानी फोर्ब्स पत्रिका द्वारा जारी 100 भारतीय धनवानों की सूची में पहले स्थान पर। केंद्र सरकार ने आम बजट में रेल बजट के विलय को मंजूरी प्रदान की। नवतेज सरना अमरीका में भारत के राजदूत नियुक्त। करंट अफेयर्स विस्तार से। विराट कोहली पंजाब नेशनल बैंक के ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त। पंजाब नेशनल बैंक भारत का एक राष्ट्रीयकृत बैंक है। पंजाब नेशनल बैंक की स्थापना वर्ष 1895 में की गई थी। बैंक ने अपनी छवि में सुधार करने हेतु विराट कोहली को अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया। अलका सिरोही यूपीएससी के अध्यक्ष नियुक्त। केंद्र सरकार ने अलका सिरोही को यूपीएससी का प्रमुख नियुक्त किया। दीपक गुप्ता की जगह लेंगी जिनका कार्यकाल 20 सितंबर 2016 को समाप्त हो गया। अलका सिरोही मध्य प्रदेश कैडर की सेवानिवृत्त आईएएस अधिकारी हैं। 68वें प्राइम टाइम एमी अवार्ड्स की घोषणा। अमेरिका स्थित लॉस एंजलिस में 68वें वार्षिक प्राइम टाइम एमी अवार्ड्स की घोषणा की गई। गेम ऑफ थ्रोन्स को वर्ष 2016 का सर्वश्रेष्ठ प्राइम टाइम ड्रामा अवार्ड मिला। वीप को सर्वश्रेष्ठ कॉमेडी का पुरस्कार प्राप्त हुआ। आईआईटी गुवाहाटी में सुपर कंप्यूटर परम ईशान का उद्घाटन। केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने सुपर कंप्यूटर परम ईशान का उद्घाटन किया। यह उत्तर पूर्वी भारत एवं सुदूर दक्षिणी क्षेत्र में सबसे तेज चलने वाला सुपर कंप्यूटर है। इसे आईआईटी गुवाहाटी एवं सीटैक द्वारा तैयार किया गया। रवि रेड्डी रक्तदान हेतु इंटरनेशनल सोसाइटी के प्रमुख नियुक्त। रवि रेड्डी भारतीय मूल के दक्षिण अफ्रीका के नागरिक हैं। आईएसबीटी चिकित्सकों का वैश्विक संगठन है। इसके तहत रेड्डी एम्स्टर्डम स्थित इंटरनेशनल सोसाइटी फॉर ब्लड ट्रांसम्यूशन के प्रमुख के रूप में कार्यभार ग्रहण करेंगे। पुलित्जर पुरस्कार विजेता एडवर्ड एल्बी का निधन। पुलित्जर पुरस्कार विजेता एडवर्ड एल्बी अमेरिकी नाटककार थे। उन्होंने विभिन्न प्रसिद्ध नाटकों की रचना की जिसमें Who is Afraid of Virginia Woolf विशेष रूप से प्रसिद्ध है। उनके नाटकों में अवसाद विवादास्पद रचनाएं तथा मृत्यु की झलक विशेष रूप से शामिल हुआ करती थी। भारतीय बधिर निशानेबाज प्रियेशा देशमुख ने विश्व चैंपियनशिप में कांस्य पदक जीता। देशमुख ने 10 मीटर राइफल श्रेणी में कांस्य पदक जीता। उन्होंने 180.4 अंक अर्जित करके यह पदक हासिल किया। यह उनके द्वारा खेला गया पहला अंतर्राष्ट्रीय मुकाबला था। वरिष्ठ पत्रकार देवकृष्ण व्यास का निधन। उन्होंने वरिष्ठ पत्रकार के रूप में दैनिक समाचार पत्र हिंदुस्तान में करीब 29 वर्षों तक काम किया। पत्रकार के साथ साथ देवकृष्ण व्यास की पहचान स्वतंत्रता सेनानी, सामाजिक कार्यकर्ता, योग शिक्षक और ट्रेड यूनियन नेता के रूप में थी। उन्होंने वर्ष 1945 से 1947 तक रतलाम, नवलगढ़ और बीवर में रहकर स्वतंत्रता संग्राम में हिस्सा लिया।
भारत ने बराक 8 मिसाइल का सफल परीक्षण किया। बराक 8 सतह से हवा में मार करने वाली अत्याधुनिक मिसाइल है। बराक 8 मिसाइल की मारक क्षमता 70 से 90 किलोमीटर है। परमाणु हथियार ले जाने में सक्षम लंबी दूर की इस मिसाइल का विकास भारत ने इजराइल के साथ मिलकर किया है। महेंद्र सिंह धोनी विजडन की भारतीय ऑल टाइम टेस्ट टीम के कप्तान नियुक्त। विजडन इंडिया ने भारत के 500वें टेस्ट के मौके पर इस टीम की घोषणा की। ऑल टाइम टेस्ट 11 टीम में ओपनर के तौर पर महान क्रिकेटर सुनील गावस्कर के साथ वीरेंद्र सहवाग को चुना गया है। इसमें तीसरे नंबर पर राहुल द्रविड़ को स्थान दिया गया है एवं चौथे नंबर पर सचिन तेंदुलकर को जगह मिली है। पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय ने हरियाणा में आर्थिक आधार पर मिलने वाले आरक्षण पर रोक लगाई। हरियाणा में आर्थिक पिछड़ेपन के आधार पर शैक्षिक संस्थानों में 10% आरक्षण दिया जा रहा था। इस प्रक्रिया के खिलाफ कालिंदी विशिष्ट नामक व्यक्ति ने याचिका दायर करके इस पर रोक लगाए जाने की मांग की थी। पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय के न्यायाधीश राजेश बिंदल द्वारा यह निर्णय दिया गया। भारत की पूर्व महिला हॉकी कप्तान ऋतु ने हॉकी से संन्यास लिया। ऋतु की कप्तानी में भारतीय महिला टीम ने 36 वर्ष के अंतराल के बाद रियो ओलंपिक हेतु क्वालिफाई किया था। उन्हें रियो ओलंपिक जाने वाली भारतीय टीम में जगह नहीं मिली थी। उनकी कप्तानी में राष्ट्रीय महिला हॉकी टीम ने 2014 इंचियन एशियाई खेलों में कांस्य पदक जीता था। मुकेश अंबानी फोर्ब्स पत्रिका द्वारा जारी 100 भारतीय धनवानों की सूची में पहले स्थान पर। फोर्ब्स पत्रिका के अनुसार लगातार 9वें वर्ष मुकेश अंबानी सबसे अमीर भारतीय बने हुए हैं। उनकी कुल संपत्ति $22.7 बिलियन आंकी गई। दूसरे स्थान पर सन फार्मा के दिलीप सांघवी हैं। उनकी कुल संपत्ति $16.9 बिलियन आंकी गई है। केंद्र सरकार ने आम बजट में रेल बजट के विलय को मंजूरी प्रदान की। केंद्रीय कैबिनेट के इस फैसले से 92 वर्ष पुरानी परंपरा का अंत हो गया। रेल बजट को आम बजट से अलग पेश किए जाने की परंपरा वर्ष 1924 में शुरू की गई थी। एक देश एक बजट के सिद्धांत को अपनाते हुए आगामी वित्त से सिर्फ आम बजट ही संसद में प्रस्तुत किया जाएगा। नवतेज सरना अमेरिका में भारत के राजदूत नियुक्त। नवतेज सरना अमेरिका में भारत के राजदूत के रूप में अरुण सिंह की जगह लेंगे। नवतेज सरना वर्ष 1980 बैच के भारतीय विदेश सेवा अधिकारी हैं। वे वर्ष 2008 से 2012 तक इसराइल में भारत के राजदूत रह चुके हैं। करंट अफेयर्स के बारे में अधिक जानकारी के लिए लॉग ऑन करें jagranjosh.com।